ये एक बहुत पुरानी बात है। एक बहुत पुराना जंगल था, उसमें एक बहुत पुराना गांव था और उसमें बहुत पुराने पुराने लोग रहा करते थे। उसी गांव में कहीं से एक नया नया गडरिया आ गया। गडरिया सारा दिन गांव के आसपास के जंगलों में अपनी भेड़ें और बकरियां चराया करता था। गडरिया बहुत शरारती था, गांव के लोग बहुत सीधे थे। गडरिये को रोज कोई ना कोई शरारत सूझती रहती थी। एक दिन उसको एक नई शरारत सूझी और जंगल की तरफ से उसने गांव में जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, भागो भागो खतरा आया, खतरा आया, गांव वालों जल्दी भागो, खतरा आया, तुम्हारा धर्म खतरे में है। वो एक विशेष धर्म का नाम ले लेकर चिल्लाने लगा। गांव के लोगों ने सुना, वो फौरन त्रिशूल भाले बर्छियां लेकर जंगल की तरफ भागे। वहां पहुंचे तो देखा गडरिया खीखी खीखी हंस रहा है। गांव के लोगों को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने बहुत ताने उलाहने दिए, लेकिन गडरिया वैसे ही खीखी खीखी हंसता रहा। कुछ दिनों बाद गडरिये को दोबारा वही शरारत सूझी। अब की उसने दूसरे धर्म का नाम लिया और फिर से शोर मचाना शुरू किया, दौड़ो दौड़ो, तुम्हारे मजहब पे खतरा है, तुम्हारी कौम खतरे में है, तुम्हें गैर मजहबी काफिरों ने घेर लिया है, जल्दी भागो। फिर से उस विशेष धर्म के गांव वाले दौड़े दौड़े जंगल की तरफ भागे। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में गोश्त काटने का चाकू, और सब अपने अपने धर्म को बचाने इकट्ठे हो गए। दोबारा गडरिया वहां वैसे ही खड़ा खीखी खीखी कर रहा था। गांव के लोगों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस बार उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा और इसे गडरिये की शैतानी और उसकी आदत मान दी। एक रोज वो नया नया गडरिया उसी पुराने पुराने घने जंगल में बकरियां चराते चराते और अंदर की तरफ बढ़ गया। अचानक उसे थोड़ी दूर एक खटर पटर की आवाज सुनाई दी। उसने आगे बढ़कर देखा तो वाकई एक खतरा गांव की तरफ बढ़ रहा था। गडरिया देखते ही सर पे पैर रख के गांव की तरफ दौड़ा और दोबारा उसने चीखना शुरू किया, गांव वालों भागो भागो, गांव पर खतरा आ रहा है, किसी एक धर्म पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर खतरा मंडरा रहा है, भागो भागो। गांव वालों को गडरिये की आवाज आ रही, उसका चिल्लाना सब सुन रहे थे, लेकिन कोई बुढ़ा चरपाई पे बैठा हुक्का गुड़गुड़ाता रहा, कोई किसान खेत जोतता रहा और कोई औरत चूल्हे पर चावल उबालती रही। किसी ने गडरिया की बात पे ध्यान नहीं दिया। सबको पता था गडरिया ऐसे ही धर्मों पर खतरे बता बता कर लोगों को परेशान करता रहता है, लेकिन अब की खतरा सच्चा था और वो ना रुका। उसने पहले गडरिया को अपनी चपेट में लिया, फिर पूरा गांव, पूरा समाज, पूरी जातियां, पूरा देश और सभी धर्म उस खतरे के चपेट में आके खत्म हो गए। वो पुराना जंगल अभी भी मौजूद है, लेकिन ना ही अब वो पुराना गांव है, ना गांव के पुराने लोग, ना उनके पुराने धर्म, और ना ही नया नया धर्मों पे खतरा बताकर झूठ बोलने वाला वो गडरिया। सब खत्म हो चुका है।